अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अनुभव का वर्णन किया जा सकता है यदि कलम पत्रकार की। पत्रकार जोगिंदर जीत सिंह ने फिर से शहीद भगत सिंह के क्रांति के विचारों की खोज की। ऐतिहासिक पुस्तक डिस्कवर ऑफ द भगत सिंह पिस्टल एंड नॉन वायलेंस का भगत सिंह का कहना है कि 24 साल पहले वो सोचते थे पिस्टल का क्या हुआ, पिस्टल कहाँ गई और किसके पास है। का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2016 में सक्रिय रूप से पिस्टल की खोज शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद यह पता लगाने में कामयाब रहे कि भगत सिंह की फांसी के बाद पिस्टल कहाँ भेजी गई। कागजों के शोध का हवाला देते हुए वो कहते हैं 1931 में लाहौर उच्च न्यायालय में पिस्टल को पंजाब के फ्लोर पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी में भेजा का आदेश दिया। पिस्टल को यहां तक पहुंचने में लगभग 13 साल का समय लग गया। पिस्टल को 1944 में फ्लोर में लाया गया था। भगत सिंह द्वारा इस्तेमाल की गई 32 बोर पिस्टल की संख्या 168896 है। अब जब पिस्टल की संख्या का पता लग गया था ये भी पता चल गया था कि इसे कहाँ रखा गया था। दीपिंदर के अनुसार कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से उन्होंने फ्लोर ट्रेनिंग एकेडमी में खोज शुरू की। फिर उन्हें पता लगा कि लाहौर से लाए हुए 8 हथियार 1968 में मध्य प्रदेश के इंदौर में बीएसएफ के केंद्रीय विद्यालय में भेजे गए। उस समय के राष्ट्रपति ने अपने अपने राज्यों से एकेडमी को शिक्षण और शिक्षा के लिए हथियार भेजने के लिए पत्र लिखा था। जितेंद्र सिंह के अनुसार इंदौर से सूचना प्राप्त करने भी एक कठिन काम था। जितेंद्र के अनुसार आईजी पंकज से हिस्सों से पैंट हटाना शुरू किया। ये वो समय था जब हथियारों पर पूंछ कर रखा जाता था। तीसरा हथियार वही तो निकली जो भगत सिंह की पिस्टल संख्या खाती थी। अब समस्या यह है कि इस पिस्टल को पंजाब में कैसे लाया जाए। इस बीच और हरियाणा हाई कोर्ट में सबूतों के आधार पर एक याचिका डाली गई। इस पिस्टल पर असली हक पंजाब का है, इसलिए इसे पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए। और जब इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया गया तो बीएसएफ ने पिस्टल को पंजाब भेजने का रास्ता साफ हो गया था। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश से पंजाब में पिस्टल लाने में लगभग 4 से 5 महीने लग गए। आज ये पिस्टल पंजाब के हुसैनीवाला म्यूजियम में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।